ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब? तुम कौन, कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानते? जिंगारो, जिंगारो, जिंगारो? हाँ, तुम्हारा जिंगारो। पर मैंने तुम्हारा गार्डन बनाया था। तुम तो असली हो, अब क्या तुम मुझे मारने आए हो? डरो मत। पर तुमने प्रिंसिपल को क्यों मारा? क्योंकि वो तुम्हें मेरे कार्टून बनाने से मना कर रहा था। और वो राजन और संजय को? हाँ, उन दोनों पापियों को भी मैंने ही मौत की नींद सुलाया। बहुत सताते थे ना वो तुम्हें? अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है कोंजा। अब जिंगारो आ गया है तुम्हारी मदद के लिए। सुनिए, हमें उस स्टूडेंट से मिलना है जो जिंगारो के कार्टून बनाता है। आपको गोंचा से मिलना है? हाँ, इस वक्त कहाँ मिलेगा? I'm sorry, मुझे मालूम नहीं। Excuse me, ये गोंचा कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं मालूम। Excuse me, क्या आप गोंचा को जानते हैं? हाँ, क्यों? हमें उसे मिलना है। फिलहाल तो वो अपनी आर्ट क्लास में मिलेगा। आर्ट क्लास? हाँ, थैंक्स। वेरी गुड, कीप इट अप। बट ये जो तुमने यहाँ पर ग्रीन कलर यूज किया है, इसकी जगह अगर रेड यूज करोगे तो ज्यादा ऊपर कराएगी। ओके ओके, कम ऑन, कीप इट अप। कुंचा, ये सब क्या हो रहा है? तुम अपना असाइनमेंट छोड़कर ये फालतू सा कार्टून बना रहे हो? कुंचा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू यू। क्या हो रहा है सर, ये फालतू सा कार्टून बना रहे हो तुम? आपको ऐसे फालतू नहीं कहना चाहिए सर। इसका नाम जिंगारो है और ये फालतू नहीं है सर। ओह, आई सी। एक तो तुम अपना काम नहीं कर रहे हो और ऊपर से मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो। सर, मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका हूं। ओह रियली? दिखाओ तो जरा। Let me see. Show. Let me see. इसे तुम असाइनमेंट कहते हो? ये है तुम्हारी असाइनमेंट? अरे इससे अच्छी ड्राइंग तो नर्सरी के बच्चे बना लेते हैं। Idiot. अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है कोंचा। अब जिंगारो आ गया है तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए।
उस तरफ है आर्ट क्लास। अरे यार, मैंने सर को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा, और बात भी तो गुस्से की है। इतना घटिया असाइनमेंट बनाने के बजाय वो अगर सर से ये बोल देता कि उसने असाइनमेंट ही नहीं बनाया तो शायद बहुत अच्छा होता। एक्सक्यूज मी, ये गोंचा कहाँ मिलेगा? गोंचा? उसकी तो सर ने आज बैंड बजा दी। क्यों, क्या हुआ? अरे, क्लास के वक्त भी जिंगारों का कार्टून बनाते रहता है, इसलिए। कहीं ये गोंचा सदमे में तो नहीं है इन मौतों की वजह से? सदमे में? सदमे में? सदमे में क्यों, वो तो काफी खुश होगा। क्या, राजन और संजय की मौत से गोंचा खुश होगा? और नहीं तो क्या, काफी परेशान करते थे वो दोनों से और चिढ़ाते भी थे। ये गोंचा सब मिलेगा कहाँ? कैंटीन में। ये आजकल के स्टूडेंट्स, इन्हें बड़ों का लिहाज ही नहीं है, किसी की सुनते नहीं है। अरे हमारा जमाना था, हम टीचर से हमें अपनी जुबान तक नहीं खोलते थे। तो ये लोग कौन है? कौन है वो? कौन था वहां पे? कौन है? कौन यहां? देखो जो कोई भी है सामने आ जाओ, वरना प्रिंसिपल से कह के कॉलेज से निकाला दूंगा। कौन है? कौन है यहां? मैं कहता हूं सामने आओ। जाके कुछ जा, देखो मैं तुम्हारे घर वालों से शिकायत करूंगा तुम्हारी, तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगा। आगे मत बोलो, आगे मत बोलो कुंचा। थैंक्स सिंगारो,
तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी है। अब तुम देखना कैसे हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे, और जो भी मेरे सामने सर उठाएगा उसका सर ही नहीं रहेगा। क्या बात है कौनचा, बहुत खुश लग रहे हो? क्यों, खुश रहने में कोई बुराई है क्या? नहीं, खुश रहने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले तुम्हारी टीचर ने तुम्हें डांटा था ना, इसका अंजाम तो उन्हें, मेरा मतलब है टीचर्स का तो काम ही होता है डांटना, और हमारा काम है उसे एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने वो राजन और संजय वाली कार्टून स्ट्रिप बदली थी? नहीं तो क्यों? प्रिंसिपल के मरने के बाद हम उनके कमरे में गए थे और वहां हमें एक दूसरी कार्टून स्ट्रिप मिली जो तुम्हारे कार्टून स्ट्रिप से बहुत अलग थी। मुझे नहीं पता वो स्ट्रिप किसने बदली। मिनल हाय, एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा, मेरी गर्लफ्रेंड आ गई है। हाय मिनल। हाय। अरे मिनल वहाँ कहाँ जा रही हो, चलो वहाँ चलते हैं ना। वहाँ चलते हैं ना, वहाँ दोस्त भी हैं। नहीं एक्चुअली मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी। अकेले में? अकेले में क्या बात करनी है? वो इस हफ्ते के डिबेट कंपटीशन के बारे में। ओह, डिबेट कंपटीशन? ठीक है चलो। अरे विशाल देख देख, मिनल को तो ये लंगूर उड़ा के ले गया, अब तेरा क्या होगा? मुझे लाइब्रेरी जाना। अब लाइब्रेरी में कौन सी किताब ढूंढने जा रहा है, खोई गर्लफ्रेंड को वापस कैसे लाऊं? देखो मिनल, मुझे तुमसे ये कहना है कि क्या तुम लोग वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? यहाँ पे तो पूरी फिल्मी लव ट्रायंगल चल रही है। कुछ सीख मेरे भाई, तेरे से ज्यादा रोमांटिक तो ये कॉलेज के बच्चे लग रहे। मीनल मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि इस फ्राइडे जो डिबेट कंपटीशन होने वाली है उसे हमारी टीम ही जीते। हाँ डिबेट हम ही जीतेंगे। और मीनल मुझे तुमसे ये भी कहना था, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं तुमसे क्लास में मिलती हूँ। मिनल टेक केयर बाय। पर मिनल सुनो तो, आजा गोंचा आजा यहाँ बैठ जा, मिनल तो गई विशाल से मिलने। विशाल ये अचानक से क्या करने लगा? अब जिंगारो आ गया है तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। कहीं ये उस शक्ति को तो नहीं बुला रहा जो लोगों को मार रही है? विशाल विशाल कहाँ हो तुम? बाहर आओ ना विशाल, तुम तो बिना वजह नाराज हो जाते हो, बाहर आओ ना विशाल। अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं गोंचा के पास चली जाऊंगी, ठीक है विशाल? बाय। विशाल विशाल
निशान। तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। क्या कर रहे हो, पागल मत बनो। किसी ने देख लिया तो कॉलेज से निकाल दिए जाएंगे। अरे बाबा, कोई नहीं देखेगा, पास आओ। लगता है किसी ने देख लिया। नहीं, किसी ने नहीं देखा। वो दस्ता गिरा है वहाँ पे, तो उसी की आवाज थी। अच्छा बाय द वे, मुझे एक बात बताओ, ये गोंचार तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? अब कुछ नहीं, गोंचा तो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, पर प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ ना। तुम्हें गोंचा से इतनी जलन क्यों हो रही है? अब देखो देखो देखो, तुम्हारी नाक ना टमाटर की तरह लाल हो गई है। हाँ, लाल टमाटर। मेरी नाक टमाटर की तरह लाल है? अभी बताता हूँ तुम्हें, रुक जाओ। हाँ। रुको एक मिनट। विशाल, छोड़ विशाल, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो विशाल, विशाल छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो विशाल, छोड़ दो, छोड़ो विशाल को। मीनल, नहीं विशाल, विशाल भाग जाओ। नहीं, लगता है मेरी टांग टूट गई है, अब मैं नहीं भाग सकता। विशाल भाग जाओ, विशाल भागो। नहीं, विशाल, 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 उठो विशाल, विशाल उठो, विशाल, तुमने मेरे विशाल को मार दिया, तुमने मेरे विशाल को क्यों मारा? मार डाला। क्या बात है, क्या हुआ? विशाल, विशाल और मिंडल को मार डाला। क्लासरूम में विशाल और मिंडल को मार डाला। दो और लाशें, कितनी दर्दनाक मौत हुई इनकी भी। हर्ष, राघव, ये पेंट। वही पेंट, पर ये पेंट सिर्फ कैमरा में ही दिख रही है। इसका मतलब है कि उस आत्मा ने इन लोगों को जिस भी जगह पे छुआ है, ये पेंट वहां पे रह गया। यानी कि इनकी मौतों में भी जरूर उसी आत्मा का हाथ है। ये तुमने क्या किया जिंगारो, क्या किया तुमने? ये मैं जिससे प्यार करता था, तुमने उसी को मार दिया। तुम्हें सिर्फ विशाल को मारना था, मीनल को नहीं। बताओ जिंगारो, क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ मुझे। मेरे जीने की सिर्फ एक ही वजह थी, मेरी मीनल, और तुमने उसे मारकर मेरे जीने की वजह मुझसे छीन ली है। आज के बाद मैं तुम्हारी कार्टून कभी नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हारी कार्टून कभी नहीं बनाऊंगा। जिंगारो अब खत्म हो गया है। जिंगारो इज फिनिश्ड, जिंगारो इज फिनिश्ड।
आइंदा अपनी मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। पता नहीं गोंचा में कहां मिले, कहां ढूंढे उसे। वो देखो ये गोंचा ही है ना, लेकिन ये इतनी रात के टेरेस पे बैठ के रो क्यों रहा है? चलो चल कर देखते तुम अब क्या लेने आए हो यहां? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? जाओ जाओ जिंगारो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुम तो मुझे खत्म करना चाहते थे ना, क्या कहा था तुमने उस दिन मुझे कि दोबारा मेरी ड्राइंग नहीं बनाओगे? मेरा वो मतलब नहीं था। इससे पहले कि तुम मेरे रास्ते को खत्म कर दो, मैं ही तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी जान नहीं ले सकते। मैंने तो तुम्हें जिंदगी दी है ना, तुम मेरी ही जिंदगी छीनना चाहते हो। अब पता चला मुझे कैसा लगा होगा जब तुम मुझसे मेरी जिंदगी छीन लेना चाहते थे। एक मिनट, कोचा कोचा दरवाजा खोलो। बचाओ मुझे, जिंगारा मुझे मार डालेगा। कोई है? मुझे माफ कर दो जिंगारो। मुझे माफ कर दो जिंगारो। अब शायद यही एक तरीका है जिंगारो को खत्म करने का। प्लीज मुझे मत मारो। मुझे क्या हो रहा है? ये तुम्हें क्या हो रहा है जिंगारो? मुझे जल्दी से जल्दी ऊपर खींच दो। हाथ पर चोट लगा। दरवाजा खुल गया। गोचा गोचा, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.